Good morning, my dear sweet little kids. I heartily welcome you all in our computer class. Our today's motivational quote is, there is no substitute for hard work. Hard work करने का मतलब क्या होता है बेटा? मेहनत करना. आपको सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही है. उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. This video is in continuation of chapter 5. That is using the keyboard. Today we will do page number 35, 36 and 37 of this chapter. In the last video, we learned about keyboard and cursor. Keyboard एक electronic board होता है, जिसके ऊपर छोटे-छोटे buttons होते हैं, जिन्हें हम उनकी हेल्प से टाइपिंग करते हैं हम. और कर्सर क्या होता है बेटा? कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन होती है. जहां पर भी कर्सर होता है, टाइपिंग वहीं से स्टार्ट होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट आज दिस क्लास. आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कीज. नंबर वन इज अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है? किए हैं ना आपने ए बी सी डी ए टू जेड. ये सब क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं. तो ऐसी कीज जिनके ऊपर अल्फाबेट्स प्रिंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट कीज. ये ए से लेकर जेड तक होती हैं, पर ऑर्डर में नहीं होती. हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर देयर? कभी काउंट किए आपने ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक? 26 होती है ना, तो अल्फाबेट कीज भी कितनी होगी? 26. तो टोटल अल्फाबेट कीज कितनी होती है बच्चे? 26. चार नंबर कीज. नेम से पता चल रहे हैं इन कीज की हेल्प से हम क्या टाइप कर सकते हैं? नंबर्स 1, 2, 3, 4. आपको अपने पापा का मोबाइल नंबर टाइप करना था मन है कंप्यूटर में, कैसे करोगे? नंबर कीज की हेल्प से. हाउस नंबर, पापा की कार का, स्कूटर का नंबर कैसे चेक कर सकते हो? नंबर कीज की हेल्प से. और ये टोटल कितनी होती है? टोटल ये 10 कीज होती है. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज. स्पेशल यानी कि इनका कुछ स्पेशल वर्क है. कीबोर्ड के ऊपर कुछ बेटा स्पेशल कीज भी होती है, जिनकी हेल्प से हम कुछ स्पेशल वर्क करते हैं. स्पेशल मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग करते करते अगर आप मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग, तो वो आप कैसे करेक्ट करोगे? उसके लिए कौन सी की प्रेस करनी है? या फिर टू वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेस देना है, वो आप कैसे दोगे? आप नोटबुक में लिखते हो बेटा, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस भी देते हो ना, एंड अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो इरेजर की हेल्प से आप इरेज कर सकते हो, है ना? तो ऐसे ही कीबोर्ड में भी कुछ स्पेशल कीज होती है बच्चे, जो आपको स्पेशल वर्क करने में हेल्प करती है. जैसे यहाँ पर नंबर वन इज स्पेस बार की. स्पेस यानी कि गैप, टू वर्ड्स के बीच में गैप के लिए स्पेस बार की. यहाँ पर टू वर्ड्स के बीच में गैप है ना, यहाँ पर भी टू वर्ड्स के बीच में गैप है. तो ये गैप कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेस बार की. एंड स्पेस बार की जो होती है ना बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के ऊपर सबसे लॉन्गी की होती है, इससे बड़ी की कोई नहीं होती कीबोर्ड पर. नेक्स्ट स्पेशल की इज एंटर की. एंटर की क्या करती है? आपको मैम ने कर्सर के बारे में बताया था ना, जहां पर भी कर्सर होता है टाइपिंग वहीं से शुरू होती है. आगे देखिए, फर्स्ट लाइन में आप बोर्ड पर राइट किया स्पेशल कीज, और एंटर की मैम ने नीचे की लाइन में राइट किया. अगर ऐसे ही आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, फर्स्ट लाइन में स्पेशल कीज एंड नेक्स्ट लाइन में एंटर की, कर
कर्सर आपका यहाँ पर होगा, उसको नीचे कैसे लेकर आओगे? कौन सी की प्रेस करोगे? एंटर की। एंटर की को प्रेस करते ही आपका कर्सर यहाँ से नीचे की लाइन में आ जाएगा एंड आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर नीचे की लाइन में पेन पेज नंबर 35 ऑफ योर कंप्यूटर बुक। Keep your finger here and start reading with me. Types of keys. A keyboard has different types of keys. Different का मतलब क्या होता है बेटा? अलग अलग तरह की keys होती है keyboard के ऊपर. Let us learn about some of them. Alphabet keys. The keys that are used to type letters, words and sentences are called alphabet keys. जिन keys की help से बेटा हम letters, words या sentences type करते हैं उन्हें हम alphabet keys कहते हैं. A keyboard has all the 26 letters from A to Z. These keys are not given in an alphabetical. Alphabetical order. ये keys जो है alphabetical order में नहीं given है. आपको बेटा ये activity करनी है. Color the alphabet keys that spell your name. इन keys को आपको color करना है जिसमें आपका नेम आता हो. जैसे मैम का नेम क्या है? रितु. तो मैम आर आई टी और यू इन कीज को कलर करेंगे तो आप अपने नेम वाली कीज को कलर करेंगे. नंबर कीज. नंबर कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स. नंबर कीज से हम क्या टाइप करेंगे? नंबर्स. दीज आर आल्सो नोन एज न्यूमरिक. न्यूमरिक कीज इन्हें हम न्यूमरिक कीज भी कहते हैं. देर आर 10 नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड पर टोटल 10 कीज होती हैं. 0 to 9. 0 से लेकर 9 तक. These are the number keys बेटा. ये देखिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हैं. और ये कीबोर्ड पर 2 places पर होती हैं. एक तो अल्फाबेट कीज के ऊपर और दूसरा नंबर कीपैड पर. ठीक है. नंबर कीज अपीयर एट 2 places on a keyboard. दो जगह पर होती हैं ये कीबोर्ड पर. 1 and 2. Special keys. The keyboard also has some special keys. कीबोर्ड पर कुछ special keys भी होती हैं. For specific work. कुछ अलग काम करने के लिए. Specific work मतलब कुछ अलग work करने के लिए. Some commonly used special keys are. Commonly used होने का मतलब है जो बार बार use होती हैं, ज़्यादा use होती हैं. कौन कौन सी keys हैं वो? Number 1, this is backspace key. कौन सी key है ये? Backspace key. This is the delete key. This is enter key. और ये 2 places पर होती है. 1 and 2. Total 2 enter keys होती हैं. These are the arrow keys. 1, 2, 3 and 4. ये 4 होती हैं arrow keys बेटा. This is the space bar key. ये देखिए, this is the space bar key. और ये आपको नजर आ रही है इससे बड़ी कोई की कीबोर्ड पे? नहीं ना. तो ये longest की भी होती है स्पेस बार की. These are the alphabet keys. ये आपको 3 रोज नजर आ रही है ना, ये अल्फाबेट कीज की रोज हैं. नेक्स्ट आर
नंबर कीज। देखिए इन पे नंबर्स लिखे हैं ना, दीज आर द नंबर की। दिस इज द बैक स्पेस की, दिस की इज बैक स्पेस की, एंड दिस वन इज द एंटर की, दिस इज डिलीट की, दीज आर द एरो कीज, ये एंड दिस इज द स्पेस बार की। स्पेस बार की, द स्पेस बार की इज यूज्ड टू एड ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स। ये लेटर्स वर्ड्स और नंबर्स के बीच में बेटा ब्लैंक स्पेस इंसर्ट यानी कि खाली स्पेस इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। ये देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, टू वर्ड्स के बीच में ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस हैं, हर वर्ड के बीच में यहाँ पर ये देखिए एक ब्लैंक स्पेस है, गैप है। तो ये हमने किसकी हेल्प से दिया बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबी, ये कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है। टू टाइप माई बैग विद अ स्पेस इन बिटवीन द टू वर्ड्स प्रेस दीज कीज। आपको माई बैग टाइप करना है तो कौन कौन सी कीज प्रेस करेंगे आप? सबसे पहले अल्फाबेटिकल कीज में से M और Y प्रेस करेंगे, देन स्पेस बार की प्रेस करेंगे एंड बी ए जी बैग प्रेस करेंगे। तो ये आपको माई बैग यहाँ पर ऐसे नजर आएगा टाइप हुआ हुआ। यहाँ पर बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना आपको, कैसे आया स्पेस? स्पेस बार की से। चलिए मैम अब आपको टाइप भी करके दिखाते हैं। आपको बेटा क्या टाइप करना है? माई बैग। माई बैग टाइप करने के लिए हम कौन सी कीज को टाइप करेंगे? एम वाई। अब ये एक वर्ड टाइप हो गया है, इसके बाद हमें स्पेस चाहिए ना, तो कौन सी की प्रेस करेंगे हम स्पेस देने के लिए? स्पेस बार की। ये देखो सबसे नीचे होती है कीबोर्ड में और लॉन्गेस्ट, इसकी यही पहचान है बेटा कि ये सबसे बड़ी की होती है। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए कर्सर आगे शिफ्ट हो गया ना थोड़ा सा, है ना। अब हम बैग की स्पेलिंग को टाइप कर देंगे, बी ए जी, ये आ गया स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। एंटर की, द एंटर की इज प्रेस्ड टू जंप द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। देयर आर टू एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पर टू एंटर कीज होती हैं, दिखाया था ना मैम ने आपको। टू टाइप ट्री एंड फ्रूट इन सेपरेट लाइन प्रेस दीज दिस की। ट्री और फ्रूट को अलग अलग लाइन में टाइप करने के लिए कौन कौन सी कीज को प्रेस करेंगे बेटा हम? पहले अल्फाबेटिकल कीज से टी आर डबल ई, देन एंटर की प्रेस करेंगे, कर्सर नीचे की लाइन में आ जाएगा, देन फ्रूट की स्पेलिंग वाली कीज को हम टाइप करेंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है इसको। हमें क्या टाइप करना है बेटा? ट्री। उसके लिए हम ट्री की स्पेलिंग को टाइप करेंगे, टी की स्पेलिंग, ट्री की स्पेलिंग वाली कीज को प्रेस करेंगे, टी आर डबल ई, डबल ई के लिए ई वाली की को टू टाइम्स प्रेस किया है। अब ये कर्सर नीचे की लाइन में चाहिए तो एंटर की प्रेस करेंगे बेटा, तो देखो कर्सर नीचे की लाइन में आ गया। और अब हम फ्रूट की स्पेलिंग वाली कीज को प्रेस कर देंगे, यू आई टी, तो देखिए ये जो फ्रूट है वो नीचे की लाइन में आ गया। कैसे आया? एंटर की हेल्प से। एंटर की प्रेस करते ही कर्सर नीचे की लाइन में शिफ्ट हो जाता है। योर होमवर्क इज बेटा टू डू एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 36। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।